नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार स्पेशल जीके का आज ये पार्ट नंबर 4। दोस्तों पार्ट 3 जो है ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है और प्रत्येक शाम को जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हम अपने चैनल पर बिहार स्पेशल जीके को लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में, ये पार्ट नंबर 4 में, हम 551 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कुल 50 प्रश्नों को आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दे दिया था। यदि आपको भी इसका आंसर पता है तो आप हमें इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दे दिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा कि धर्मपाल ने लगभग 200 गांवों को जो है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दान में दे दिया था। आगे प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि किस शासक ने उदंतपुरी, अर्थात कहने का अर्थ हुआ बिहार शरीफ में, बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। तो प्रश्न आपके सामने सही प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। किस शासक ने उदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपाल ने जो है इसका स्थापना कराया था। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 553 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। तो किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। सही आंसर इसका हो जाएगा, यह जो है पाल काल में, पाल युग में हुआ था। आगे क्वेश्चन है 554 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुल मिलाकर के हम लोग 600 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे आज। प्रश्न है आगे देखिएगा, बिहार में पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हुआ और कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसकी रही है। बिहार में पाल युग की कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है, कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में किसका निर्णायक देन रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा धीमन एवं विठल पाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, आप 555 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम उपलब्ध करा देते हैं। फटाफट इसका आंसर कमेंट करते चलिएगा अगर आपको आंसर पता है तो। पाल युगीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठल पाल कहाँ के निवासी थे। तो पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार जो हैं धीमन एवं विठल पाल कहाँ के निवासी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा जो है इसका सही। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि पालकालीन कांस्य प्रतिमाएँ सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है। प्रश्न है कि पालकालीन कांस्य की प्रतिमाएँ जो हैं सांचे से ढाली गई हैं, इसका साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से मिलता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि इसका जो साक्ष्य है वह नालंदा के कुरकिहार यानी कि कुरकिहार नामक स्थान से प्राप्त होती है। आगे प्रश्न है 557 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठल पाल समकालीन थे। तो पालकालीन मूर्ति कलाकार जो है धीमन और विठपाल जो हैं वो किसके समकालीन माने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा कि ये जो समकालीन थे वह धर्मपाल एवं देवपाल के थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है आपके पास 558 नंबर कि चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक और प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग से उपस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो है पाल युग से उपस्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न है दोस्तों 559 नंबर, ध्यान से देखिएगा कि पालकालीन चित्रकला की भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र कहाँ का रूप जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र जो है वह दोस्तों नालंदा से प्राप्त हुआ है। दोस्त यदि किसी प्रकार की कोई डाउट्स आ जाती है, कोई गलती हमसे हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, अपने दोस्तों की सहायता कीजिए ताकि आपके साथ साथ किसी के और की जिंदगियाँ भी बन पाए। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो पाल शासक अपना आदेश कैसे प्रसारित करते थे, तो वह कहाँ से, तो पाटलिपुत्र से पाल शासक जो है अपना आदेश प्रसारित करते थे। ऑप्शन जो है इसका आप लोग देख चुके हैं। 561 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति के नाम से कौन जाना जाता था। तो सही आंसर है कि यह इस जो है मगध को पाल काल के समय में श्रीनगर भुक्ति के नाम से जाना गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को।
आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। एक बार फिर से इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 563 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये प्रश्न रहेगा आपके सामने, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1997 से 1998 में किसके शासनकाल में हुआ था। तो मिथिला तथा या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1997 से 1998 में किसके शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर है कि रामपाल के शासनकाल में हुआ था। 564 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है 564वां नंबर प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। राइट आंसर हो जाएगा कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी दोस्तों सिमरावगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ बातें लिखिए, हंसते हुए चीज़ लिखिए या फिर अपने कुछ बारे में लिखिए या फिर बताइए आप मुझे कुछ ना कुछ। मज़ा आता है, आप ही हमारे मित्र हैं और आपके साथ मिलजुल करके पढ़ने में पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा कि हरि सिंह जो था कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया था। तो कर्नाट वंश का पूर्ण रूप से अंत जो हुआ वह 1378 ईस्वी में जो है कर्नाट वंश का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 567 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। राइट आंसर है कि बिहार में पंजी प्रबंध का विकास जो है कर्नाट शासकों के समय में हुआ था। आगे है 568 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। तो तिब्बती इतिहासकार जो है धर्मस्वामी तिरहुत में कब आया था। राइट आंसर हो जाएगा 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 569 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था। तो बख्तियार खिलजी जिसने पटना बिहार पर आक्रमण किया था उस समय कर्नाट राज्य का जो शासक था वो निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरसिंह देवजी इस समय उसके शासक था। 570 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि तुगरील तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था। तो तुगरील तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम सिंह देव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 572 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता जो संस्थापित किया गया था वह जो है दोस्तों आप सभी जानते हैं बख्तियार इब्ने बख्तियार खिलजी उसका राइट आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय निम्नलिखित में से कौन सा था। सही आंसर है बिहार शरीफ अर्थात उदंतपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित कब हुआ था। तो बिहार में तुर्क सत्ता जो है 1198 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रश्नों को। बख्तियार खिलजी में खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था। तो बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक जो मुख्यालय है वह बिहार शरीफ में बनाया हुआ था। आगे बढ़ते चलते 576 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। राइट आंसर है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। एकदम फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। सही आंसर है इंद्र युग्नपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था। इसका सही आंसर है कि 12वीं शताब्दी में बिहार के सूफी संतों का आगमन जो है हुआ था। 579 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। तो बिहार में आने वाले पहले सूफी संत जो है सर दोस्तों उसके मोमिन आरिफ जो हैं बिहार आने वाले पहले सूफी संत हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट जरूर कर दिएगा दोस्त, हो सकता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता पड़े अगर आपकी नज़रों में मिल जाए तो। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है। मनेर की विजय से किस सूफी संत का जो संबंध है। सही आंसर है ताज फकीह जो हैं वो मनेर की विजय से ये सूफी संत जुड़े हुए हैं। 581 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तबकाते नासरी जो है
वह किसके द्वारा लिखा गया था, जरा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तबकात नासरी इतिहास की स्रोत की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया था एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण जो है तबकात नासरी में नज़र आती है। थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई करते हैं तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट करेंगे। बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था, तो बिहार में सैनिक अभियान शुरू करने वाला जो सुल्तान था उसका नाम इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 583 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था, तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से जो था वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इल्तुतमिश। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश है। 584 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार कर दिया था। सही आंसर है दोस्तों हिसामुद्दीन एवज को उन्होंने पराजित कर दिया था। 585 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, तो निम्न में से कौन सल्तनत बिहार काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है। सही आंसर है मुबारिज खां जो है वह सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है। बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था, तो किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुगलक काल में। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, तो बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था। राइट आंसर है ग्यासुद्दीन तुगलक जो है कर्नाट वंश के शासक सिंहदेव को पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं 588 नंबर क्वेश्चन है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था, तो मुहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। सही आंसर है दरभंगा, तिरहुत का नाम उसने बदल करके तुगलकपुर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, तो बिहार राज्य का नाम जो है बिहार किसने दिया था, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। सही आंसर है आंसर हो जाए तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा हुआ था, तो सही आंसर है कि यह तुगलक काल में पड़ा था, तो तुगलकों ने दिया था तो तुगलक काल में ही पड़ा होगा। आगे बढ़ते चलते 592 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था, तो मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था। इसका सही आंसर हो जाएगा कि तुगलक काल में मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते 593 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहां है, तो बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहां है। सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोस से भेंट किस सुल्तान ने किया था। सही आंसर है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोस से भेंट किस सुल्तान ने किया था। सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 595 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 595 नंबर क्वेश्चन कहता है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से क्या मिलता है। राइट आंसर है कि बिहार शरीफ फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है, बिहार शरीफ के बारे में वर्णन प्राप्त होती है। 596 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखिएगा 596 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था, तो उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत को जो है वह दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक के माध्यम से हुआ था। 597 नंबर क्वेश्चन प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि 14वीं सदी, ध्यान से देखिएगा, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासक आरंभ करवाया था, तो 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन प्रारंभ किया था। सही आंसर हो जाएगा कि वैनवार वंश ने, तो 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन प्रारंभ करवाया था, तो वैनवार वंश का उसने शासन प्रारंभ कराया था। 598 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति की रचना
हुई थी। दोस्तों मैं समझता हूं कि आप एक बार में इसको नहीं समझ पाइएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप इसको दो बार देख जाते हैं तो जरूर ये सारे कंटेंट आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। प्रश्न है कि तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति की रचना विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया था? सही आंसर हो जाएगा सी, उसी की छत्रछाया में। 599 नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा कर लेते हैं, बस अंतिम इससे छोटा नहीं करेंगे। कहता है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, तो बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है तबकाते नासरी। इसको कौन लिखा था आपको बता देता हूँ जाते जाते, मिन्हाजुस सिराज ने, सिराज की ये किताब है तबकाते नासरी। अगर आपको अब मजा आ गया होगा तो जरूर भाई कमेंट कर दीजिए। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? सही आंसर है दरिया खान नुहानी। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पोस्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे और लगातार बने रहिए। कल इसी समय 8 बजे बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है बिहार स्पेशल की क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे और 600 से आगे हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं ना। और दिन में एक सुबह वीडियो 10 बजे चली जाएगी, वह जो है जीके जीएस से होगा, और दोपहर में विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन चले जाते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।